हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डूइंग प्रैक्टिकल टू ड्रॉ द वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग एंड आल्सो फाइंडिंग द डायोड रेसिस्टेंस. सो फॉर दिस वी हैव टू यूज दिस फॉरवर्ड बायसिंग. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर फॉरवर्ड बायस लिखा है, यहाँ पर रिवर्स बायस. सो वी आर जस्ट डूइंग फॉर द फॉरवर्ड बायस. तो ये वाला साइड होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है एंड दिस इज फॉर द नेगेटिव. तो फर्स्टली वी हैव टू कनेक्ट द डीसी सप्लाई विथ द पॉजिटिव ऑफ द पीएन डायोड. ओके, तो यहाँ पर हमने इसको डीसी की सप्लाई दे दी है. अभी डीसी की सप्लाई कहाँ से आ रही है वो हमारी अभी प्रॉब्लम नहीं है. वो बेसिकली हम एसी की सप्लाई देते हैं, फिर एसी हमारा डीसी में चेंज हो जाता है. यहाँ से हम उसके वोल्टेज को रेगुलेट कर सकते हैं. जितना हमें वोल्टेज चाहिए हम इसके हिसाब से उसको रेगुलेट कर सकते हैं. तो ये हमारा वोल्टमीटर है जो कि हमें बताएगा कि हमने कितनी वोल्टेज की सप्लाई दी है, और एमीटर हमें बताएगा कितना करंट हमें मिल रहा है. ओके, सो बेसिकली हमें वी और आई के बीच में ही रिलेशन निकालना है. एमीटर में हमारे पास दो चॉइस होती हैं, एक हम मिली एम्पियर में निकाल सकते हैं और दूसरा माइक्रो में. तो बेसिकली हमें मिली एम्पियर में निकालना होता है, इसलिए इसको हमने ऊपर डायरेक्शन में शिफ्ट रखा है. सेम थिंग फॉर द पोटेंशियल, हम यहाँ पर रीडिंग 0 से लेकर 3 वोल्ट तक की भी ले सकते हैं एंड 0 से लेकर 30 वोल्ट तक की. इस प्रैक्टिकल में बेसिकली हमें 3 वोल्ट की सप्लाई चाहिए, तो इसलिए हमने इसको 3 वोल्ट पर सेट किया है और इसको मिली एम्पियर पर. तो अब यहाँ पर एक कनेक्शन तो हमने बना दिया है. अब सेकंड हमें इसका जो नेगेटिव है उसको हमें नेगेटिव ऑफ द डीसी आउटपुट तक लेकर जाना है, लेकिन डायरेक्टली लेकर नहीं जाएंगे क्योंकि बीच में हमें एमीटर से करंट की रीडिंग भी लेनी है. सो वी आर जस्ट डूइंग कनेक्शन ऑफ दिस नेगेटिव विद द एमीटर. तो एमीटर के साथ हमने कनेक्ट किया और फिर एमीटर का जो ये वाला टर्मिनल है नेगेटिव, इसको हम जाके कनेक्ट करेंगे हमारे डीसी के नेगेटिव से. अब इसमें हमें वोल्टेज की भी रीडिंग निकालनी होती है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डीसी का जो हमारा ये वाला पार्ट होगा इसको हम करेंगे इसके पॉजिटिव से कनेक्ट, और ये वाला हमारा नेगेटिव से होगा कनेक्ट. तो ये बेसिकली हमें देगा क्या, कितना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस है. ठीक है, तो इससे हमें मिल जाएगी हमारी वोल्टेज की रीडिंग. अब हमें यहाँ पर क्या करना है, स्विच ऑन करना है. स्विच ऑन होने के बाद ये हमारी मेंस की सप्लाई है, ये हमारी अभी ऑन है, और यहाँ से हम इसके वोल्टेज को बदलेंगे. ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम इसको 0 रखते हैं. तो जब हम 0 रखेंगे तो वोल्टेज अभी देखिए 0 है. ठीक है, इसको हमने बिल्कुल लो पर रखा है और अभी एमीटर की रीडिंग भी 0 है. अब धीरे धीरे हम इसको वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे. जब हम इसको टर्न करेंगे तो आप देखोगे वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज होने लगी है, करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ वोल्ट तक, जो कि रीडिंग्स में आपको यहाँ पर अभी बताऊंगा, तो कुछ रीडिंग्स तक ये वैल्यू 0 रहती है. फिर धीरे धीरे ये इंक्रीज होने लगती है. यहाँ पर आप देखोगे कि वोल्टेज की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन एमीटर में आपको रीडिंग देखने को नहीं मिल रही है. ठीक है, एक टाइम के बाद ये वैल्यू इंक्रीज होने लगती है, लेकिन बहुत स्लो रेट से, मतलब एमीटर की जो रीडिंग है वो स्लोली इंक्रीज होती है. बट एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद, जिसको हम नी वोल्टेज बोलते हैं, उसके बाद ये वैल्यू एकदम से इंक्रीज होने लगती है. तो आप देखोगे अब यहाँ पर ये लीनियरली रिलेशन है, मतलब जितना पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हो उसके बराबर या उससे ज़्यादा आपको यहाँ पर चेंज देखने को मिलेगा.